मिल गई वजह जिसके कारण मोदी ने माफी मांगी। भारत की जनता के करोड़ों सवालों का जवाब मिल गया। 4 मिनट में सबसे सटीक विश्लेषण से समझिए माफी की कीमत क्या है। आज भारत के करोड़ों लोगों के मन में एक सवाल है, दुनिया के इतने बड़े लीडर ने एक झटके में माफी क्यों मांग ली? आज पहली बार दुनिया का एक मजबूत नेता इतना कमजोर कैसे दिखा? पड़ताल करने पे पता चलता है कि पीएम मोदी ने राजनीतिक तौर पर पहली बार इतने बड़े मंच पर देशवासियों से माफी मांगी है। नरेंद्र मोदी का शानदार 20 साल का सत्ता में रहने का अनुभव है। गुजरात दंगा हो या बीजेपी की गुटबाजी, मोदी कभी किसी के सामने नहीं झुके। लेकिन क्या राकेश टिकैत ने पहली बार मोदी को झुकने पे मजबूर कर दिया, यह बात कुछ और है। आज भारतीयों के मन में उठ रहे सवालों को हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसका जवाब क्या है। आप सिर्फ अपना 2 मिनट दीजिए, हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे तर्क जो इशारा करते हैं कि मोदी ने माफी क्यों मांगी। एक मंत्री तक को नहीं हटाने वाले सरकार के मुखिया ने अचानक माफी क्यों मांगी? कभी टेबल पे बैठकर बात न करने वाले पीएम ने देशवासियों से माफी क्यों मांगी? ये बात कितनों को हजम ही नहीं हो रही है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की माफी के पीछे की कहानी क्या है। बीजेपी के भीतर ही कृषि बिल को लेकर नाराजगी थी। बीजेपी के दिग्गज नेता इसे खारिज करने की मांग अंदर खाने करते रहे। आरएसएस को आभास हो चुका था। कहानी क्या है? उपचुनाव में मिली करारी हार भी एक वजह हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह एक और है जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने भी किया है। यूपी में बीजेपी ने 3 अलग-अलग सर्वे करवाए। तीनों सर्वे में बीजेपी की हालत ठीक नहीं थी। बीजेपी के हाथों से अगर यूपी चला जाए तो बीजेपी की कुर्सी केंद्र में भी खतरे में हो सकती है, इसीलिए मोदी कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। यूपी में बीजेपी कितनी डरी है इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाएं कि अमित शाह जैसे नेता को पूरे यूपी की जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि पश्चिम की कुछ सीटों पर मेहनत करने के लिए भेजा गया। राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता को कुछ जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। पीएम मोदी को आभास है अगर योगी चुनाव हारे तो मोदी को हराना आसान हो जाएगा। देश के सामने माफी मांग, दोहरी नीति चली, पहले किसानों को खुश किया, दूसरा ये संदेश दिया कि सरकार जनता की है, जनता के लिए है, पीएम तो सिर्फ एकमात्र चेहरा है। खबर ये तक थी कि पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी अकेले पड़ने लगे थे और ऐसे में उनके पास एकमात्र विकल्प ये था कि वो किसानों की इस मांग को पूरी करें। लेकिन मोदी माफी मांगेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। सोशल मीडिया पे मोदी के समर्थकों में आज बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। एक यूजर्स का दावा है ये उनका मोदी नहीं हो सकता है। मुट्ठी भर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए देश भर से माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, लेकिन इसकी अपनी एक कहानी है। अपने करियर में मोदी पहली बार ऐसे झुके हैं तो कुछ तो बात होगी। क्या एक माफी से तय हो गया 2024 में मोदी, 2029 में योगी, फिर बीजेपी, आगे भी बीजेपी? एक माफी से क्या राहुल गांधी का सपना टूट गया? एक माफी से क्या अखिलेश यादव का सपना टूट गया क्योंकि 2022 में योगी? नोटबंदी के दौरान करोड़ों जनता परेशान थी। कोरोना काल के समय भारत की करोड़ों की संख्या परेशान थी, लेकिन किसान आंदोलन से ना तो देश परेशान था, ना ही कोई बड़ी टेंशन सरकार को थी। जिन मोदी की बात पूरी दुनिया सुनती है वो अचानक ऐसे क्यों झुक गए? इसके लिए पूरी कहानी लिखी गई। भारतीय राजनीति के लिए ये फैसला टर्निंग पॉइंट है। कई पार्टियां तथा कथित नेताओं का रोजगार मोदी की माफी के साथ ही खत्म हो गया है। आने वाले वक्त में बीजेपी ने 370 और बड़े मसलों की तरह किसानों का मसला भी लंबे वक्त तक के लिए खत्म कर दिया है। ऐसे में विपक्ष मुद्दों की तलाश करे और प्रधानमंत्री मोदी की ये कोशिश यूपी में बीजेपी के लिए बहुत शानदार साबित हो सकती है। लेकिन पीएम मोदी माफी मांगेंगे इसकी उम्मीद हमें भी नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।